कितने बच्चों को सिखाया जाता है थोड़ा बहुत पूजा भी कर लिया करो, वही कौन सी मजबूरी है थोड़ा बहुत पूजा कर लेने की। जैसे झूठे तुम, जैसे धोखेबाज तुम, वैसे ही बच्चों को भी बनाना चाहते। तुमको भी पता है तुम्हारी सुई लोभ पर है, क्रोध पर है, मोह पर है, लाभ पर है, और तुम बच्चों को भी कह रहे हो बेटा कम से कम सुबह उठ करके 5 मिनट दीपक जला दिया करो। क्यों एक और रावण पैदा कर रहे हो भाई? अपने से अच्छा तो होने दो, तुम्हारा वर्जन है एडवांस वर्जन आना चाहिए, कहीं तो काफिला रुकना चाहिए। हिरण्यकश्यपु राक्षस कयाधु राक्षसी, लेकिन मां और गुरु ने मिलकर ऐसा कमाल किया, गुरुदेव नारद और मैया कयाधु ने ऐसा कमाल किया कि प्रहलाद जैसा द्वादश भक्त मिल गया पूरी दुनिया को। आज तक ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ, राक्षस का बेटा भक्त हो गया। तुम मनुष्य होकर के अपने बच्चों को भक्त नहीं बना पा रहे, और उसके बाद भी तुम संसार में कहते हो कि मैंने पालन पोषण कर दिया, मेरी जो ड्यूटी थी मैंने निभा दिया, मैंने डीपीएस में एडमिशन करा दिया, मैंने इंजीनियर बना दिया, मैंने डॉक्टर बना दिए। क्या अपने संतान को तुम संतोष दे पाए? क्या अपने संतान को तुम आनंद दे पाए? क्या अपने संतान को तुम आध्यात्मिक बना पाए? रामचरितमानस में कितना सुंदर कहा गया है, यो स्त्री बांझे ही अच्छी है, बांझे मतलब उसका कोई संतान नहीं हो, कौन? जिसका पुत्र रघुपति का भगत न हो जाए, ठाकुर जी का भगत न हो, ऐसे स्त्री का बच्चा जन्म देना भी पशुवत है, उससे अच्छा तो बांझ। ये रामायण गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं, मेरे ऊपर मत पड़ जाना पीछे, नहीं तो कल से महिला मोर्चा मेरे पीछे पड़ जाएगी, बाबा ने बहुत खराब बोला, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर दूंगा। विचार करना पड़ेगा, ये कथा, ये हवन, ये यज्ञ, ये पूजाएं, ये नियम, ये कानून, पर चरित्र से सब बाहर है, और उसके कारण इतनी अशांति, इतना दुख, इतनी तकलीफ है। अपने ही बच्चों से यह सुनने को मिलता है कि मैंने इसके लिए ये किया, और ये देखो बड़ा होकर मेरे लिए क्या कर रहा है। मैं तो पूछता हूं कि अपने ही बालक को जब बड़े होने पर तुम धिक्कारते हो तो पहला धिक्कार तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ही कोख से पैदा लेकर तुम्हारी उंगलियों को पकड़ के चलने वाला, तुम्हारा दूध पीने वाला। कई बार हमने सुना है कि जब से ये चुड़ैल आई ना तब से हमारा बेटा बिगड़ गया, नहीं तो हमारा बेटा तो बहुत मातृ पितृ भक्त था। मैं तुमसे पूछता हूं, 9 महीने तक पेट में रखकर, जन्म देकर, दूध पिलाकर 25 साल तक तुमने अपने पास रखा, तुम्हारे लालन पालन और दूध में ऐसे और संस्कार में कौन सी कमी रह गई कि 3 दिन में चुड़ैल उड़ा के उसको ले गई? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ये तुम्हारे विचार का प्रश्न नहीं है? तुम्हें विचार नहीं करना चाहिए इसके ऊपर?